हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टैरो रीडिंग फ्रेंड्स। मैं हूं एनानो में सबके साथ और मैं आपको सिखा रहा हूं व्हाइट मैजिक। और आज का हमारा वीडियो है पार्ट 3 का। अगर आपने पहला वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 से शुरू करिएगा, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर अगर आप शुरू करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कम्प्लीटली कन्फ्यूजन का सिचुएशन हो जाएगा आपके लिए भी। तो बेहतर है पार्ट 1 पार्ट 2 भी आप देख लें, उसके बाद ये स्टेप फॉरवर्ड पार्ट 3 के अंदर करेंगे। हमारे ये व्हाइट मैजिक को डिवाइड हमने किया हुआ है 4 वीडियोज़ के अंदर और 4 स्टेप प्रोसीजर्स के अंदर। अभी बढ़ते हैं आज के हमारे स्टेप के ऊपर जो है पार्ट 3 ऑफ द वीडियो, और वो है रूल टूल दैट वी आर गोइंग टू यूज, द रूल्स एंड द टूल्स दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग फॉर प्रिपेयरिंग आवर व्हाइट मैजिक। अभी हम ये देख लेंगे, ऑफकोर्स व्हाइट मैजिक करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत ही है। सिर्फ और सिर्फ हमने मंत्रा, जिसे हमने मंत्रा लिखना सीखा है पिछले हफ्ते या पिछले हमारे वीडियोस के अंदर, तो वैसे ही हमें अब सीखना है कि अभी हमें उन मंत्रा के साथ साथ और किस टूल्स की ज़रूरत है ताकि हम और आगे बढ़ सकें और लिटरली हमारे ये विशेष को मैनिफेस्ट कर सकें, इनको पूरा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सर्टन टूल्स, अभी हमें ये टूल्स कहाँ से मिलेंगे? टूल्स सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट और स्टोन किंगडम से ही मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली प्लांट्स एंड स्टोन किंगडम यही तो है अर्थ का नेचुरल एलिमेंट्स, और यही अर्थ के नेचुरल एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम हमारे सारे डिजायर्स हमारे सारे विशेष को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट्स ने आज तक का हमें बहुत सारे चीज़ें दिए हैं, खाने से लेकर आयुर्वेदिक मेडिसिन, बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और उसी प्लांट्स के अंदर हम ये नहीं जानते कि एक और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सदियों से चलता आया है, वेद ऋषि मुनियों से चलता आया हुआ है, और ये है हमारे प्लांट्स का मैजिकल एक्सपेरिमेंट या प्लांट्स का मैजिकल पावर। तो जब हमारा अपना डिवाइन पावर और ये मैजिकल पावर ऑफ द प्लांट्स हमारे सब साथ जुड़ जाते हैं तो इट रियली क्रिएट्स अ सुपर मैजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्प्लीटली सुपर मैजिकल एनवायरनमेंट, जिसके वजह से आपके डिजायर्स लिटरली फुलफिल होना शुरू हो जाते हैं। एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ हमें नज़र आता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ, दिस टाइप ऑफ एन नाइस लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल जो आप चाहते थे आपके पास मिले, वो सब एक कम्प्लीटनेस पूरा होना शुरू हो जाता है के सभी के सकर के। तो इस रीजन के वजह से फॉर एग्जांपल एक सर्टन चीज़ें ले लिया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम ये सोचें कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स विच गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट, एरोमा थेरेपी भी एक ऐसी थेरेपी जिसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल फ्रेग्रेंसेस एसेंस के थ्रू एरोमा ऑयल्स के थ्रू हमें जो है पता चल जाता है। ये एरोमा ऑयल और ये एसेंस के थ्रू जो है हम लोग को खुद को रिलैक्स करते हैं, योगा मेडिटेशन टाइप ऑफ एन इफेक्ट ऑल्सो, राइट। तो वैसे ही हमें जो है कैमोमाइल करके फ्लावर है, उस कैमोमाइल का जो हम अगर टी पिएंगे या हम उसकी स्मेल लेंगे तो हमारे नर्व जो है रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। और नीम का जो है, नीम के एलिमेंट्स यूज करने से हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो कहीं ना कहीं हर एक प्लांट, हर एक हर्ब जो है has its own function to perform in our body, just like हम लोग एक orange बोल दे, orange will give you a type of all nutrient, no it can only provide you with vitamin C, लेकिन और वो भी पूरा vitamin नहीं, सिर्फ एक vitamin C आपको orange provide कर सकता है, लेकिन थोड़े अगर हम mix combination of fruits लेंगे तो we can attain at the same time all the types of vitamins and minerals, एंड सेम टाइम हमको थोड़े और चीज़ मिल सकती है उसके अंदर से, जैसे फाइबर हो गया एंड वाटर तो उसमें है ही है, बाकी के अदर चीज़ें की बात करें लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये तो हमें अदर सोर्सेज ऑफ फूड से मिलता है जो हमारे फूड गाइड पिरामिड या हमारे फूड मील्स के हिसाब से हो जाता है, राइट। तो वैसे ही हर एक चीज़ के, जैसे हमारे पास सिचुएशन समझ ले 5 सिचुएशंस हैं, लव, हेल्थ, वेल्थ, प्रोटेक्शन, तो और कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए हमारे 5 टाइप ऑफ थिंग है। अगर आप लव की बात करो तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा है रोज़, लेवेंडर, क्या इसके जैस्मिन के पेटल्स एंड बर्ड्स, इसका इस्तेमाल करना। अगर हम बात करें हेल्थ के लिए तो हेल्थ के लिए हमारे पास ऑलिव, नटमेग, यूकेलिप्टस, ये बहुत ही अच्छा है, ओके। थर्डली अगर हम वेल्थ की बात करें तो सिनेमन, क्लोव, बे लीफ, इवन ऑरेंज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर वेल्थ। प्रोटेक्शन अगर करना है तो हमारे पास रोजमेरी हो गया, यारो हो गया, इवन सैंडलवुड के जो है एसेंस या उसकी स्टिक्स जो है ओरिजिनल जो है वो सब भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। एंड इन जनरल जो सदियों से चलता आया है, हर इंसान के घर में ये चीज़ अवेलेबल है, और इंडियन के घर में स्पेशली ये चीज़ अवेलेबल है, और वो है मैनिफेस्ट एनीथिंग करने के लिए बे लीफ जो है हमारा तेज पत्ता। तो तेज पत्ता का इस्तेमाल, कैंडल का इस्तेमाल, ये सब हमारे घर के अंदर है ही है कॉमनली, ये सब टुगेदर यूज़ करके हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर हमें दूसरे मटेरियल्स ना मिले। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपको कुछ भी नहीं मिले
अगर इन सामान इज डिफिकल्ट फॉर यू, नो मैटर लव के रिलेटेड कुछ हो, वेल्थ के रिलेटेड कुछ हो, हेल्थ के रिलेटेड कुछ सामान नहीं मिले, सबसे बेस्ट तरीका ये है बे लीव्स का इस्तेमाल करना, टॉप प्रायोरिटी आप इसको दे सकते हो। दूसरा आप दे सकते हो, आप सबके घर में तुलसी का जो झाड़ होगा ही होगा, मेडिसिनल पर्पज एंड वर्शिप पर्पज दोनों के रिलेटेड, तो तुलसी का प्लांट भी एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है जो हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कैम्फर, तो कैम्फर यानी हमारा कापूर, तो कापूर, लौंग, बे लीफ, साथ साथ तुलसी, ये चारों चीज़ें तो सबसे टॉप प्रायोरिटी आपके सबके किचन के अंदर अवेलेबल है ही है यूज़ करने के लिए, भले ही आप आदमी हो या औरत हो। औरत हो तो आपको आपके किचन के बारे में तो पता ही होगा, आदमी है तो आप अपनी मम्मी, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, किसी से भी पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, क्योंकि ये सब चीज़ें अवेलेबल है ही है। और फिर भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो सबसे बेस्ट हमारा चीज़ है और वो है ये जो है हवन सामग्री। तो हवन सामग्री के अंदर एक्चुअली हमारे पास 36 हर्ब्स होते हैं। इस 36 हर्ब्स का उपयोग करके हमारे पास हवन सामग्री मिलती है, जैसे कि ये बैग है माँ नव दुर्गा हवन सामग्री का बॉक्स हमें मिलता है एंड बहुत ही चीप प्राइस के अंदर भी हमें मिलता है, या कोई भी शिव पूजा के सामान रिलेटेड शॉप्स के अंदर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको आराम से ये चीज़ें मिल सकती है। सबसे बेस्ट एक पैकेट ऑफ हवन सामग्री इज ऑल्सो मोर देन इनफ अगर आपके पास ना तुलसी, ना बे लीफ्स, ना कुछ है। अगर आपके पास कुछ वेट एलिमेंट्स है, सच एज वेट हर्ब्स है, सूखे नहीं है अभी तक, तो आपको उनको सूखने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि सूखने के बाद आप उनको जो है अपने ये डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये सब चीज़ें थी अबाउट आवर प्लांट्स एंड हर्ब्स जो हमारी मदद कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब अगले वीडियो के लिए आपको तीन मटीरियल्स की सख्त ज़रूरत है। पहला चीज़ जो आपको ज़रूरत है अगले वीडियो के लिए है और वो है हमारा ये ग्लास बाउल। ये ग्लास बाउल सेरामिक का है या ग्लास का है या वुडन का है, सब चलेगा। इट हैज़ टू बी ओनली अ ग्लास, नॉट मेटल, के मेटल नेगेटिव एनर्जी पुल करती है, पुश आउट नहीं करती। तो एक नए हमें ग्लास बाउल की ज़रूरत है। ग्लास बाउल के साथ हमें चाहिए एक कोई भी कलर का पाउच, तो कोई भी कलर का पाउच की आपको ज़रूरत पड़ सकती है ताकि वो पाउच जो है आपकी हेल्प कर सकता है चीज़ों को सब जोड़ के रखने में। पाउच का साइज़ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, कोई भी कलर का बॉक्स पाउच हो नो प्रॉब्लम। अगर आप खुद कपड़े जोड़ के भी पाउच बना सकते हैं स्पेशली लेडीज़, तो और भी अच्छी बात है। और साइज़ जो है बहुत ही छोटा साइज है तो एकदम बड़ा भी आपको स्टिच नहीं करना है। ये छोटा सा पीस ऑफ पाउच ऑफ एनी कलर अकॉर्डिंग टू द साइज जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बोलूंगा मैं, साइज़ जो है वो है 2.5 inches से 2 इंच के बीच में, 2.5 into 2 inches, या फिर आप करेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं यूनिट्स वगैरह कैसा क्या है। और तीसरी ज़रूरी चीज़ 5 ग्राम ऑफ एनी ऑफ द हर्ब्स, कोई भी हर्ब्स जो आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हर्ब्स है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हर्ब ऑफ ओरिगैनो, दिस इज हमारे क्लोव्स, फिर हमारे पास हो गया सॉल्ट। सॉल्ट ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अ हर्ब, इट इज ऑल्सो प्लांट किंगडम से है या वाटर किंगडम से है हमारा सॉल्ट, राइट। देन हमारे पास है यहाँ पर कापूर पाउडर या कैम्फर, देन हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल बेजल। तो ये सब ड्राइड एलिमेंट जो हमारे पास इतने सारे हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हुए वी हैव टू चूज कौन सा डिज़ायर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और कौन से कैटेगरी से, वेदर लव है, रिलेशनशिप है, प्रोटेक्शन है या इन जनरल कुछ है। अकॉर्डिंग टू दैट जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इतना वीडियो में बताया कि कौन से एलिमेंट्स या कौन से हर्ब्स की हमें ज़रूरत है, वो हर्ब्स को अकॉर्डिंगली आप कलेक्ट कर लीजिए 5 grams विद अ ग्लास बाउल एंड थर्डली अ पाउच ऑफ एनी कलर 2.5 by 2 inches का उसका लेंथ का। ये तीन चीज़ें आप करेक्ट करके रेडी रख लीजिए। बाकी आपके ऑल्टर रूम तो रेडी है पहले वीडियो से, दूसरे वीडियो से आपने अपना पेपर पेंसिल पैड रेडी रख दिया है आपके मंत्रा के साथ, तीसरी चीज़ आप अभी ये सब अपने मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए, आपके हर्ब्स पाउचेस वगैरह सब लेके। अब हम मिलेंगे हमारे चौथे वीडियो के लिए जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अब हम मैजिक कैसे शुरू कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो के लिए और बहुत जल्द आपको वो भी नज़र आ जाएगा। थैंक यू।